सबको राम राम। राधे 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 राधे। और सब ठीक है आप लोग? अरे ये पंडित जी आ रही आवाज। अरे चलो अच्छी बात, आनी चाहिए आवाज। अब तक हम ये सब जान चुके हैं कि किस प्रकार अंक या नंबर हमारे जीवन को प्रभाव कराते हैं। हमने देखा कि मूल्यांक और भाग्यांक हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन की उतार चढ़ाव निश्चित करता है। कैसे वाहन के अंक भी शुभ या अशुभ हो सकते हैं, अंक भी शुभ हो सकते। क्या आपने सोचा कि हमारा मोबाइल नंबर भी हमारे जीवन में बेहद महत्व रखता है? मोबाइल के बिना हम अपने जीवन की किसी भी गाथा को आज के तारीख में कर नहीं सकते। हम घर से निकलते हैं तो मोबाइल, और घर में आते हैं तो मोबाइल। हर आवश्यकता की जरूरत हमारी मोबाइल बन चुकी है। अब आप खुद सोचिए, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले इतना नहीं था। आज हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। जो चीज हमारे पास हमेशा रहेगी, उसकी एनर्जी हमारे साथ काम करेगी या नहीं करेगी। क्या आपका मोबाइल नंबर आपके लिए शुभ है या अशुभ है? ये तो हमें एक ज्ञान मिल जाता है तो हम उसे देख लेते। आज मेरे पास एक कुंडली आई है, उनके पास 10 साल से मोबाइल नंबर 8, नाम का नंबर 8 और मोबाइल नंबर 4 है। और वो बच्चा एक बहुत बड़ा इंजीनियर होके भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो आज हमने उन्हें सुझाव दिया, हमें ये सारा ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करके आगे बढ़ना है। देखिए, क्या मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन आप पर बुरा या अच्छा? आप एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी दुश्मन भी आपको डेली प्रणाम करता है, गुरुजी प्रणाम, भाई साहब प्रणाम, आप देखिए आपकी आस्था या आपके भाव उस व्यक्ति के प्रति कैसे हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे ना? सोचो। इसी तरह से जब वो नंबर की वाइब्रेशन बार बार हमारे मोबाइल में बजेगी, तो आप थोड़ी सी रिसर्च करने की अपने नेचर पे बनाइए, खोजिए वाइब्रेशन आप पर बुरा या अच्छा प्रभाव डाले। अगर कोई व्यक्ति आके आपको बड़े प्रेम से कहता है, भाई साहब प्रणाम, मेरा ये कार्य था। व्यक्ति आपको आके कहता है, अरे मेरे काम करोगे नहीं करोगे, गाली देके बात करेगा, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कैसी वाइब्रेशन जाएगी? आप बताइए, मुझे बताइए कैसा लगेगा? यही बातें मैं अच्छा आपको, हाँ यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस तरह से हमारी वाइब्रेशन काम करती है। कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ लोगों का नियम है कहना, जो 25% हमारे कर्म है जिसको हम नहीं बदल सकते, यश अपयश लाभ हानि जन्म मृत्यु को हम नहीं बदल सकते, ये 6 चीज हैं। हमारा जीवन का पहला पन्ना ही ईश्वर ने लिखा है और अंतिम पन्ना भी ईश्वर ने लिखा है। जो बीच का पन्ना है वो तो हमें ही रंगना है। जन्म ईश्वर की इच्छा से हुआ और मरण ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन जीवन में जो कर्म करेंगे उसमें कहीं ना कहीं तो हमारा रोल होगा या नहीं होगा, बताइए प्रिया जी। बोलिए प्रिया जी, कलकत्ता हाँ से होगा होगा सर, ना? हाँ तो हाँ हमें होगा सर, आंख हाँ मीच के किसी पे विश्वास नहीं करना, तथ्यों को देखना है। अगर आप किसी गंदी बस्ती में, गंदे मकान में रहोगे तो आपको वाइब्रेशन अच्छी आएगी या बुरी आएगी? गंदे घर में, गंदे मकान में रहने का क्रम किसका है? जल्दी से बोलिए, मुझे बताइए। श्वेता आप बोलिए। ये अच्छे जगह पे या बुरी जगह पे, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है या जबरदस्ती होता है। जैसे हमारे ग्रह होते हैं वैसे ही कार्य हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते। ठीक है, क्या मोबाइल नंबर आपके लिए नए अवसर और प्रगति, नए द्वार खोल सकता है? आइए, मैं मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर कैसे असर करते हैं। मोबाइल नंबर का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। अगर हमारे जीवन की किसी भी दिनचर्या की कोई चीज हमारे साथ परमानेंट जुड़ी रहेगी,
तो आप बताइए वो हम, अगर कोई कोई व्यक्ति परमानेंट बदमाश आपके घर में बैठा रहे और आपकी इच्छा से बैठा रहे, तो समाज में आपकी इज्जत कैसी बनेगी? जैन सर बोलिए, खराब होगी अपनी इज्जत है, खराब होगी ना जी, खराब होगी ना। हमने रजामंदी से बिठा रखा फिर भी खराब हो गया समाज में, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास गलत नंबर है, बार बार वो बोल रहा है हमें, तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं प्रैक्टिकल बातें करके बता रहा हूं आपको। हम जैसे माहौल में रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, हो सकता है मुझसे भी विद्वान लोग हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो और भी महान बन सकते हैं। आप मेरे साथ हैं तो आप मेरे जैसे बन सकते हैं। आप जिसके साथ भी रहेंगे उसके जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बिल्कुल असर पड़ता है, असर पड़ता है ना जी। व्यक्ति का असर पड़ सकता है, तो एक नंबर का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा? बार बार मोबाइल कितनी बार बजता है सबका, कितनी बार हम करते हैं और कितनी बार लोगों का नंबर हमारे पास आता है, सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं? हाँ जी हाँ ठीक। क्योंकि मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। अगर वो सही होगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट अच्छे देगा, और गलत होगा तो गलत रिजल्ट देगा। अच्छा या बुरा खबर इस पर सुनने से मिलेगी, इसलिए अगर आपको मोबाइल में अच्छे अंक होंगे तो अच्छे प्रभाव भी देंगे। अगर भले ही अच्छे लोग आपके साथ हैं, भले ही आपके साथ 19-21 हो रहा है, तो फिर भी वो अच्छे करेंगे ना। वो दुश्मन भी कोई अच्छा है तो क्या वो आपका बुरा करेगा? अब हम इस कड़ी के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अंक ज्योतिष में अंक कुंडली बहुत ही सेक्सित होती, आपके मोबाइल नंबर का टोटल 7 नंबर आए, यह एक बातूनी संख्या नहीं है, किसी ना समझाए जा सकने वाला कारण से आप फोन का जवाब देने में अनिच्छुक महसूस करेंगे। ये एक बातूनी नंबर नहीं होता, ये एक रिजर्व नंबर होता है। हर नंबर के अंकों की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करो। जैसे 7 नंबर एकांत प्रिय होता है, ये बातूनी नंबर नहीं होता, गलत फहमी की भी संभावना है, और कई बार आप ठीक से सुनने में सक्षम नहीं होते। कॉल करने वालों से यह कहने में डरने की जरूरत नहीं है, यदि आप किसी चीज की जांच कर रहे हैं तो यह संख्या अनुकूल है और आपकी लाइन पर बने हुए महत्वपूर्ण अंत प्रेरणा मिल सकती है। 7 नंबर को शास्त्रों में केतु का नाम से भी जाना जाता है। आप 7 नंबर को पढ़ने के बाद केतु के नेचर को आप पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है? 7 नंबर अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है, यह हमेशा विजयी रहता है। अगर नहीं रहता है, यह नंबर अध्यात्मक में लेकर जाता है, आध्यात्मिक बनाता है। अगर 3 और 7 का मेल हो जाता है तो यह नंबर बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस नंबर की तलाश में रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि इस नंबर की तलाश में रहते हैं, ठीक है? 7 नंबर के साथ सूर्य मिल जाए तो व्यक्ति राजयोग मिल सकता है। यह नंबर अध्यात्मक से लेकर जाता है। यह ऐसे लोग होते हैं जो अकेले बैठकर बड़ी बड़ी रिसर्च कर लेते हैं। 7 नंबर को शास्त्रों में केतु के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। 7 नंबर के साथ सरकारी नौकरी के योग देता है। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा पोस्ट पर भी हो सकते हैं। यदि 7 अंक आपके मोबाइल नंबर का जोड़ है तो यह नंबर ऐसे लोगों के लिए आना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, योग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए 7 नंबर बहुत ही अच्छा है। सब लोगों को बताता हूं, मैंने प्रिया जी को ही बताया था, इनके डेट ऑफ बर्थ में 7-4 है। अगर 7 नंबर हमारे पास है तो हम ओगर साइंस में जाएंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित लाइन में जाना चाहते हैं, तो 7 नंबर जोड़ो वीक नंबर माना जाता है, लेकिन इन परफॉर्मेंस वाले को यह नंबर सूट करता है। थोड़ा 7 नंबर केतु का वीक माना जाता है, लेकिन टीचर की लाइन में यह अच्छा माना जाता है। जो ज्ञान से जुड़े काम करता है उनके लिए यह नंबर अच्छा रहता है। ऐसे जातक किताब पढ़ने के शौकीन
ज्ञानी संतोष करने वाले होते हैं। जातक तंत्र मंत्र पर विश्वास करेगा, जातक आध्यात्मिक धार्मिक शांतिपूर्ण तार्किक विश्लेषक सकारात्मक सोच वाला होगा। जातक के पुत्र की उत्पत्ति का योग बनेगा, ऐसा जातक दूसरों पर ओवर ट्रस्ट ज्यादा करेगा, इनका कोई दुश्मन नहीं मगर किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें। 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है लेकिन ज्यादा हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा ऐसे जातकों को अकेला रहना अच्छा लगता है, डोमेस्टिक लाइफ में अटैच नहीं होता, हमेशा कंफ्यूज रहता है। ये 7 मोबाइल रिपीट होने पे 7 नंबर 2 बार आ जाए तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 बार आए तो उसका लीडरशिप क्वालिटी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हमेशा देखिए। 8 नंबर आपके मोबाइल नंबर का योग 8 नंबर आने पर, अगर आप बॉस हैं, आप बॉस हैं तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। आप हमेशा आयोजन करते हैं, यदि यह आपका मोबाइल नंबर है तो आप शायद महत्वपूर्ण और एक बलशाली व्यक्ति लगेंगे, इसलिए इसका सही उपयोग कर और दृढ़ हो सकते हैं, लेकिन सफल जीवन के लिए विनम्र रहना अनिवार्य है। देखिए 8 नंबर से हमें क्या क्या मिल रहा है बॉस बनने की। अब लोग कहते हैं कि 8 नंबर बहुत गलत है, 8 नंबर आपको कमांडर बनाता है, किसी भी टीम का अध्यक्ष बनाता है और ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। आपको वैराग्य लेना है, आपको संत बनना है। संत और साधु में फर्क होता है, साधु ईश्वर की सेवा करता है, संत समाज की सेवा करता है। अगर आपको संत बनना है तो 8 नंबर आपको लेना चाहिए, वैराग्य में वैरागी बनना है तो 8 नंबर शनि का नंबर है। ये लोग बहुत सीरियस बातें करते हैं, किसी चीज से घबराते नहीं, हमेशा रिसर्चिंग नेचर होता है। अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो 8 नंबर का मोबाइल नंबर ऐसे लोग को सूट करता है जिनका मूल्यांक 8 होता है, क्योंकि यह नंबर संघर्ष कराता है, इसलिए 8 नंबर का ना तो मोबाइल में होना चाहिए और ना टोटल 8 पर आना चाहिए। हमने ये भी बताया क्योंकि यह नंबर संघर्ष भी करवाता है। अब आप किस लेवल में है, यह स्ट्रगल नंबर है। ऐसा जातक धीमी गति से परियोजनाओं को पूरा करता है। इस नंबर के जातक ज्यादा मेहनती होते हैं, जातक का नौकरी से रुझान ज्यादा होगा, इस नंबर के जातक का खुद का मकान जरूर बनेगा। जातक किसी की नाजायज बात को सहन नहीं करता, जातक अपने गोल को अचीव करता है। जातक महत्वाकांक्षी, शक्ति सहन शक्ति कुशल, अच्छा नेत्र क्षमता, भरोसेमंद योजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम होता है। जातक लेजी होगा, किसी भी काम को पेंडिंग रखेगा, ऐसा जातक नाक कटवा सकता है पर झुका नहीं सकता। जब 8 का मोबाइल रिपीट हो, 8 नंबर 2 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन का बहाव है और वह ठहरा ठहर जाता है। अगर 2 नंबर से ज्यादा 8 नंबर आ जाएगा तो शनि खराब हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर का योग 9 आने पर, यह बहुत अच्छी संख्या है। यदि आप यात्रा और छुट्टियों में व्यस्त हैं, नंबर योग है तो आपकी बहुत अच्छी संख्या है। आप यात्राएं होंगी, छुट्टियों में व्यवस्था कर रहे हैं, या आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आप ऐसी चीज सुनते हैं जो वास्तव में आपका जीवन बदल देती है। यह नंबर बदलाव का नंबर है। जो लोग फील्ड में जुड़े हुए हैं, जैसे क्या बोलते हैं, खेल में कूद में जान खेल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह नंबर बहुत अच्छा है। जिनका मूल्यांकन 9 है उनके लिए भी 9 नंबर अच्छा रहता है। जो एक्शन को बढ़ाते हैं, जीवन में स्थिरता लाते हैं, नेम एंड फेम बढ़ता है। अगर आपका मूल्यांक और भाग्यांक 2 और 4 हो तो आपका 9 नंबर का टोटल नंबर नहीं लेना चाहिए। जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है, यह एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे और इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, नंबरों को अपने हिसाब से सिलेक्शन करो। कई जगह हमें कोई नुकसान दे रहा है, कहीं फायदा दे रहा है, जो हमारी आवश्यकता है उसकी जरूरत के अनुसार नंबर को लेने का प्रयास करो। जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है,
यह एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे और इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जातक की इच्छाएं पूरी होंगी, रफ टफ पर्सनलिटी होगी। जातों को साहसी, दूसरों का देखभाल करने वाला, मानवीय, परोपकार, रचनात्मक निर्णय लेना में तेज होगा। ऐसा जातक आर्मी, डिफेंस, नेवी, पुलिस में होगा। मैंने क्या बताया था, मंगल की दो राशि होती है, वैदिक भी आप लोग पढ़ रहे हो तो मंगल की दो राशि होती है। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप वैदिक, लोशो और वास्तु के प्रथम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो ज्योतिष में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि वैदिक में सारी बातें बताई जाती है, नंबरों के पूरे आधार बताए जाते हैं। आर्मी जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि, एक नंबर और आठ नंबर दोनों के स्वामी मंगल होता है। एक नंबर फ्रंट की लड़ाई लड़ता है और आठ नंबर अंदर की लड़ाई लड़ता है, प्लानिंग की काम करता है। तो इसलिए मैं अर्थों में समझाऊंगा। ऐसा जातक अपनी एनर्जी को किसी दूसरे काम में लगाने वाला होगा, मानवता वाला इंसान होगा, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी ऐसे व्यक्ति में होगी। अपनी इज्जत के लिए सिर कटवा सकता है और सिर काट भी सकता है। नौ अंक मोबाइल में रिपीट हो, नौ नंबर दो बार आया तो बहुत अच्छा, लेकिन दो बार से ज्यादा आने पर व्यक्ति अपराधी हो जाता है। वो ही नंबर आदमी को डाकू बनाता है, वो ही नंबर आदमी को डॉक्टर बनाता है। डॉक्टर और डाकू में क्या फर्क है, इसको समझने का प्रयास करो, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों लोग एडवांस, अब मैं इसके बाद जो आपको बताना चालू करूंगा मोबाइल की अंक युक्तियां, मैं इसके अंदर छह चैप्टर है। एक है अंक युक्ति, एक है विरोधी अंक, एक है चकोर दृष्टि, एक है त्रिकोण संबंध, एक है करण विकरण, एक है विशेष संबंध। ये छह पद्धतियां होती हैं। इसका जो प्रोसीजर होता है 3196752 84, ये मैं उस आधार पर भी समझा सकता हूं, और मैं एक मेरे पास एक पैटर्न और भी है। मैं आपको पूरा का पूरा इतना ज्ञान देने के मूड में हूं कि आपको आनंद की प्राप्ति। चलो मैं ना अब जो सेकंड सेशन में आपको 4923578 16, ये 319 प्रोफेशनल, 675 बिजनेस और 284 हार्ड वर्कर, ये मैं कल समझाऊंगा। ये इसके छह चैप्टर बनते हैं, इसके अंदर छह चैप्टर बनेंगे। आप समझ गए मेरी बात को, आप अपने मोबाइल को इसमें लगा के आप चेक कर सकते हैं अपने बारे में। और अब मैं दूसरी विधि जो लोशो ग्रिड की है वो पढ़ाना चाह रहा हूं आप, ठीक है? मैं लोशो ग्रिड की विधि बढ़ाता हूं, अच्छा लगेगा ना लोशो ग्रिड वाला। देखिए ये हमारा थ्रोट प्लान है 492, ये हमारी लोशो ग्रिड के अंदर, देखिए आपके लिए आ गए, इसे थ्रोट प्लान बोलते। प्लानर ऐसा व्यक्ति प्लान बनाने में निपुण होता है। 357 विल पावर प्लान पार्ट, ठीक है, गोल जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेट करता है। 816 एक्शन प्लान, प्लान ऑफ एक्टिविटीज, ये आप इसको बड़े ध्यान से देख लिए। आप इस ऐसे ही ग्रिड के अंदर आप अपने मोबाइल नंबर को भरें और जो आपके मोबाइल का टोटल आता है उसे एक मूल्यांक माने। एक नंबर से लेके नौ नंबर तक के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपका मूल्यांक, फिर उस मूल्यांक नंबर को जो आपके मोबाइल का आता है उसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ को से देखें, क्या वो उसका मित्र है या शत्रु। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का वो मित्र और शत्रु है, उसी हिसाब से अपना मोबाइल नंबर। मैं बड़ी आसानी से और सरलता से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बात क्लियर हो जाती है। अगर आपके मोबाइल में 456 नहीं है तो आप ये माने कि आपके कालसर्प दोष हो सकता है। 852 नहीं है तब भी कालसर्प दोष हो सकता है। तो अब आप इसके अंदर लोशो ग्रिड वाले फार्मूले भी फिट कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आपकी।
वो महाराष्ट्र से हमारे जो श्याम जी थे डॉक्टर हैं, 50 का डेट ऑफ बर्थ था उनकी, 50, उन्होंने कुंडली हमसे बनवाई। अच्छा देखिए अब बताते हैं, लोशो ग्रिड में अगर 7 और 9 हो और बीच में 4 नंबर हो तो यह बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। यदि आपकी ग्रिड के अंदर 4, 9, 7 नंबर है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अगर किसी कारण से आपकी ग्रिड में 4, 9, 7 नंबर नहीं है और आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने की भावना रख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 4, 9, 7 नंबर को लेने का प्रयास करें, बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपके मोबाइल नंबर में 7 और 11, 4, 7, 11, इसमें हम ये भी कह सकते हैं 7 और 11 है और 6 खाली है तो आप ओगर साइंस के बहुत बड़े मास्टर, जैसे कि हमारी प्रिय जी की ग्रिड में है। अब मैंने बता दिया, अब आपको नीचे लेयर में दिखाया मैंने, इससे आप ये जजमेंट करके ये हम ये मोबाइल जोड़ लेंगे, इससे ये जज कर लेंगे कि आपका मोबाइल नंबर टोटल कौन सा आया जिस जो आपको लागू करना है। सबसे पहले जो भी मोबाइल के नंबर हैं वो 10 के 10 आप अपने मोबाइल में भर लीजिए, 10 के 10 नंबर भर लीजिए। इसके बाद देखें कि वो नंबर आपकी लाइफ में क्या वाइब्रेशन लेकर आएंगे या क्या आपको उसका फर्क पड़ेगा। जब आप अपने मोबाइल नंबर को इसके अंदर भर लेंगे और बराबर में एक मूल्यांक नंबर लेके उसका नंबर लिख लेंगे, फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से उसको चेक करेंगे, अगर वो सही है तो ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर आपको कई बातें बताऊंगा। नंबर एक देखिए, ये नंबर एक फॉर सक्सेस इन फिल्म इंडस्ट्री, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना है, 2 नंबर क्रिएटिव का है और 6 नंबर इंटरटेनमेंट का है, जब इन दोनों नंबर की वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ती है तो ये बहुत नेम एंड फेम दिला सकता है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दावेदार हो सकता है आपके लिए। अगर आपके पास 4 मनी, आपको धन कमाने के लिए कौन से नंबर होने चाहिए, 4, 5, 6, 8, पैसों के लिए कौन सी वाइब्रेशन अच्छी होती है, लोशो ग्रेड में 5, 6, 8 होना चाहिए क्योंकि 4, 5, 6 सक्सेस प्लान है और 8 नंबर बिग प्रॉपर्टी के लिए भी चाहिए और बुद्धि का भी नंबर है, तो मनी के लिए 4, 5, 6, 8 वाइब्रेशन आपके लिए लोशो ग्रेड में सहायक होगी और मोबाइल नंबर में होनी चाहिए, तो आप एक अच्छी मोटी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अगर आपको फॉरेन ट्रिप करनी है, विदेश जाना है, 6 नंबर फॉरेन ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा राहु जो ट्रेवल से ट्रेवल करवाता है और 4 नंबर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता है और 7 नंबर जो आपको बाउंड्री के क्रॉस करवाता है, तो विदेश यात्रा के लिए 6, 4, 7 वाइब्रेशन आपके फोन में जरूर होगी और 6 नंबर आपको लग्जरी देता है, सुविधा देता है जो आपको विदेश तक पहुंचाता है। देखिए बड़ी प्रॉपर्टी 2, 5, 8 सिल्वर राजयोग माना जाता है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग की कुंडली में बड़े बड़े बिल्डर की कुंडली में होती है, जिनकी भी बड़ी प्रॉपर्टी होगी उनके लिए हमारे पास 8 जरूरी है। जिनके पास 8 होता है बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, गवर्नमेंट जॉब 1, 3, 9 1 और 3 गवर्नमेंट जॉब को दर्शाता है, IAS बनाता है और 1 और 3 का बहुत बड़ा रोल है, 9 नंबर मार्स मंगल का भी एक्शन को दिखाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉपर्टी
डीलिंग, 3-8 तीन नंबर कंटिन्यूसली बिजनेस को दिखाता है, रोजमर्रा की इनकम को तीन नंबर से देखा जाता है, तीन नंबर रोज कहीं ना कहीं से इनकम दिलाता रहता है, और 8 प्रॉपर्टी का नंबर है, जो अगर ये दोनों नंबर मिल जाएंगे तो प्रॉपर्टी डीलिंग में सेल परचेज में हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है जाते हैं। मैरिज हैप्पीनेस 2653, मैरिज हैप्पीनेस के लिए कौन कौन से नंबर होने चाहिए? अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, तो आपको जीवन में मैरिज हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। 2 नंबर जो चंद्रमा का है, उसके बाद 6 नंबर वीनस का जो मैरिज के लिए, 5 नंबर फैमिली स्टेबिलिटी का नंबर है, और 3 नंबर हेल्थ और फैमिली का नंबर है। अगर ये नंबर आपको लोशो ग्रिड में नहीं है तो इन नंबर को आप अपने फोन में जरूर रखें, ये आपको मैरिज स्टेबिलिटी के लिए अच्छे साबित होंगे, जीवन को जीने के तरीके में अच्छे साबित होंगे। फॉर एनी लग्जरी बिजनेस 6 नंबर, ठीक है। आप लग्जरी का बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो 6 नंबर का मेन रोल है। लोशो ग्रिड में 2 बार कम से कम 6 होना चाहिए। अगर लोशो ग्रिड में कम से कम 2 बार 6 होगा तो आप 4-5 भी होना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो 4-5-6 लोशो ग्रिड में होना भी चाहिए, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी ये होना चाहिए। एक्शन ओरिएंटल जॉब, देखिए तथ्यों को समझ के आप चलेंगे तो लंबे चलेंगे। एक्शन ओरिएंटल जॉब 276, किसी को बहुत बड़ा लीडर बनना है तो उसके थ्रोट प्लान चाहिए और एक्शन प्लान चाहिए। 276 भाग दौड़ वाला काम करने की क्षमता देता है। विजनरी लीडरशिप क्वालिटी 438, लीडरशिप क्वालिटी के लिए 438 होना चाहिए। मोदी जी के पास भी 438 नंबर है। तो ऐसे लोग काल्पनिक क्षमता देते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। गुड नॉलेज 357, 3 नंबर एक का 3 नंबर गुरु का और 5 नंबर पुत्र का है और 7 नंबर केतु का है। हम 5 नंबर में इंटेलिजेंसी तो बन जाती है, रोज जो पढ़ना पड़ता है उसके लिए 3 नंबर का होना जरूरी है, वो 7 नंबर साधना का है और मेडिटेशन का भी होता है। शब्दों को जिस दिन अंकों को हम लगाना सीख जाएंगे, मैं अंकों को इतनी गहराई से पढ़ा दूंगा, इतनी गहराई में पहुंचा दूंगा कि आप अंकों को पढ़ने में आपको आनंद आने लगे। बस एक ही बात है, गुड नॉलेज होगी स्पिरिचुअलिटी 777 और 333, 3 नंबर 7 नंबर दोनों ही आध्यात्मिक के नंबर है। सक्सेस अगर 777 333 किसी के मोबाइल नंबर में होता है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता के अंदर ऊंचाइयों में पहुंचते हैं, जीवन की हर कड़ी में ऊपर पहुंचते हैं। उन्हें हमेशा 7 नंबर ऊंचाइयों का होता है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं सबको, आप अपने घर की छत के ऊपर झंडा लगा के रखे करें। अगर आपको कभी किसी मंदिर में झंडा लगवाने का मौका मिल जाए तो हमेशा झंडा लगाया करें। झंडा सदा ऊंचा रहता है, ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए झंडा लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। दोस्तों मैं एक छोटी सी आपको कहानी सी बताऊं, अगर आपकी इच्छा हो ज्ञान की, अपने पे बीती हुई या पहले पढ़ाऊं, जैसे आपकी इच्छा हो बोलिए। ये बता दीजिए सर, बहुत काम की बात बता रहा हूं। हम लोग पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन हम रट्टाफिकेशन से पढ़ते हैं तो उसमें मजा नहीं आता। जब ज्ञान की बातें होती हैं तो उसमें मजा आता है।
हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे भी कमाऊं, मेरा नाम भी हो, मैं स्टेज पे भी बैठूं, लेकिन हर आदमी पहुंच तो नहीं पाता ना, या पहुंच पाता है? बोलिए जैन साहब। सही बात। मैं आप हाँ मैं आपको बताता हूं, मैं जब शुरू शुरू में इस लाइन में आया तो मैंने एक व्यक्ति की वास्तु की क्लास करवाई थी करोल बाग के अंदर दिल्ली में, और वो पंजाब से आए थे, एक बहुत अच्छे वास्तु, तो हमने करवाई। उसके बाद हमने उनसे चर्चा करी जैसे हम आप मेरे से कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी मैं ये चाहता हूं कि मैं इन क्लासों को, मैंने पार्टनरशिप में क्लास करवाई थी, मैं चाहता हूं। उन्होंने मुझे एक चीज क्या दी, आपने बादशाह का नाम सुना है, राजा बादशाह शतरंज का जो होता है, सुना है? सुना है आपने, नहीं सुना बताइए। सर शतरंज की खिलाड़ी चेस में होता है ना सर? हाँ बादशाह होता है ना। उन्होंने मुझे बादशाह एक लकड़ी का दिया और कहा उत्तर दिशा में इसे लगा दो, आप विश्वास करना वो दिन और आज का दिन मैं इंडिपेंड होके अपने सारे कार्य कर रहा हूं, कहीं पार्टनरशिप की बात आती है तो मैं वो सारा काम उन पे छोड़ देता हूं, मैंने कहा मैं काम करूंगा तो अकेला ही करूंगा। तो मैं बता रहा हूं बड़ी बड़ी सुविधाएं हल हो सकती हैं, अगर आपके अंदर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो मैं वास्तु के द्वारा आपको एक से एक ऐसे तरीके बताऊंगा जो वास्तु की क्लास करेगा आप बताना ऊंचाइयों पर मैं पहुंचा दूंगा। मुझे कंसल्टेंसी के 2100, 3151 रुपए मिल जाते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाना मेरा शौक है, इसलिए मुझे पढ़ाने में आनंद आता है, और मैं जितना पढ़ाता हूं उतनी ही मैं कंसल्टेंसी अच्छी करने में सक्षम होता हूं। तो इसलिए क्लास में मेंबर कम है या ज्यादा है इसकी मुझे चिंता नहीं होती, और मैं ज्ञान मैं कम दूं या ज्यादा दूं मैं ये इसकी कभी नहीं सोचता, मैं ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बांटता हूं, जो चीज हम संसार को देंगे वही चीज हमारे पास आएगी। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूं सक्सेस बिजनेस पर्सन 951, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर है तो आपका, अब इसके अंदर आप ये मत देखना इसका ये काट हो रही है, ये नंबर 951 लिखिए, विल पावर प्लान, जितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा उसकी लॉस ऑफ ग्रिड में 951 होगा, कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, एजुकेशन 951 अपने मोबाइल में जरूर रखो, एजुकेशन 148, एक नंबर सूर्य का, और सूर्य से ही हम एजुकेशन को बहुत देखते हैं, और चार नंबर तकनीकी शिक्षा का होता है। तो मैं क्या देख रहा हूं आजकल पूरी शिक्षा पर है, पढ़ाई के लिए जो भी एकाग्रता चाहिए वो शनि देता है, ओगर साइंस 333, 555, 777 अगर ये नंबर आपके पास है तो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, और एस्ट्रोलॉजर और ऐड करें अपने लोशो ग्रिड में या मोबाइल नंबर में तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। मैंने आपको लोशो ग्रिड के आधार पर भी सारी बातें बताई, 258 बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का कारक होता है, और 456 यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा, अगर किसी के पास पैसा नहीं रुकता तो आप अपने मोबाइल में 456 नंबर लेके चलें, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं रुकता, और टू अब बता दिया 95 हो गया, 357 1379, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, रिसर्चिंग में होगा और वार्तालाप में भी निपुण होगा, और ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर भी पहुंचेगा। ठीक है, ये हमने आज आपको ये चैप्टर क्लियर कर दिया, अब जो हमने उसमें फोटो में लगा रखा था वो चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे, उसके 6 चैप्टर हैं, ये मैं अभी बता ही रहा हूं, आपको बता देता हूं। अंक ज्योतिष में अंक कुंडली बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, इसकी रचना भी बड़ी सरल और अंक कुंडली के चित्र स्वभाव व्यक्तित्व जीवन स्तर पर विकास पूरे जीवन के बारे में हम मिनटों में कर देते हैं। अंक योग की विरोधी अंक चकोर दृष्टि, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं,
3-1 किसी के पास है, 3-1 किस किस के पास है, हाथ खड़ा करो मोबाइल में। देखिए तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान ऊंची शिक्षा पिता के साथ रहेगा, नेता डॉक्टर वकील ज्योतिष कार्यों में सफलता अपनी चेष्टा से ज्योतिष बनने के योग मान सम्मान यश की प्राप्ति, ये सारे के सारे उस व्यक्ति में गुण पाए जाएंगे। तो ये सारे के सारे ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर के अंदर 10-12 पॉइंट हैं और इसी तरह से कल मैं ये आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बोलिए कोई और आपको कुछ बात करनी है या कुछ और पूछना है या कोई और दिमाग में बात हो सर, तो बताने का कष्ट। मेरा एक क्वेश्चन है सर, कोई कोई तो 2 मोबाइल यूज करता है तो उनके लिए क्या होगा सर, डबल डबल नंबर तो आ जाएगा उनके लिए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देखिए कोई व्यक्ति 2 मोबाइल यूज करता है, आपने बिल्कुल सही कहा। आप उनके मोबाइल का आधार टोटल चेक करना, उनके मोबाइल में नंबर चेक कर, 80-90% नंबर सिमिलर होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर, सिमिलर नंबर को नहीं लेना है। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके आपके उन अंकों के साथ भी मित्रता है, गलती से आपके वो नंबर उस मोबाइल नंबर में नहीं है। लेकिन आपके देखिए कई बार होता है हमारी दोस्ती 2 व्यक्तियों के साथ होती है और एक व्यक्ति हमारे संपर्क में रह पाता दूसरा नहीं रह पाता, लेकिन आगे चल के वो दूसरा वाला व्यक्ति मिल जाता है। ऐसा होता है जीवन में, नहीं होता तो 2 नंबर ले इसलिए लिए जाते हैं कि उन अंकों की हमारे साथ तालमेल होती है। कल से वो बताने वाले हैं अंक युक्ति, विरोधी अंक, चकोर दृष्टि, त्रिकोण संबंध, करण विकरण और विशेष संबंध। आज हमने बिल्कुल अलग हटके क्लास पढ़ाई है, लोशो गिर से कैसे मोबाइल नंबर चेक करते हैं। आप क्लास में नहीं थे